बोलो बेटे। आजकल जादू तंत्र को बहुत मानते हैं लोग, तो क्या ये बहुत रसिक है सारा समाज? बहुत गलत, तो क्या ये सच है? बहुत गलत चीज, जादू तंत्र को मानना बहुत गलत चीज। ये सब स्मशान विद्या, प्रेत विद्या और काली विद्या के नाम से मशहूर है और हमारे सब लोगों ने इसके बारे में जाना हुआ। असल में तंत्र तो कुंडलिनी है, स्वयं साक्षात तंत्र आपका कुंडलिनी है और हम सबसे बड़े तांत्रिक हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शुद्ध विद्या, क्योंकि ये शुद्ध कार्य करती, ऐसे मनुष्य का जीवन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए जो इस कार्य को करे। और तंत्र विद्या में बिल्कुल इसके उल्टे बात करते हैं, यानी इसका तरीका यह है कि किसी देवी का मंदिर हो, वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा गलत काम, कोई व्यभिचार वहाँ करते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो देवी को अप्रसन्न करने से, अब देवी उलझती नहीं, वहाँ से उनका चित्त हट जाता है। वो जगह जब उनके लिए ऐसी बन गई जहाँ देवी का चित्त है नहीं, वहाँ फिर वो प्रेतों को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीज़ें हैं सारी। वो सब करके और फिर उससे वो दुनिया भर के चीज़ें करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और अपने देश में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में एक खास चीज़ है कि एक दूसरे का गला काटे बगैर वो सोचते हैं हमारी उन्नति नहीं होगी। ये सब दूर दिखाई दे, एक दूसरे से प्रेम करने से हमारी उन्नति होगी ये हम जानते नहीं, इसलिए हम एक दूसरों को गले काटने में लगे रहते हैं। फिर जो ऐसी लोग मदद करते हैं गुप्त रूप से, उनके पास हम चले जाते हैं कि चलो इनकी गर्दन काट दो, उनकी गर्दन काट दो, इतना पैसा ले लो। तो ये जो गंदी विद्या है इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता, कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी दो आदमी आपसे बता रहे हैं जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या, उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है, पर हम लोगों पे बड़ा ये है तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है, ले उसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करें, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही हो, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रही तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी कोई को भी भगवान नहीं छोड़ते हैं। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं इनके सात जन्म, सात बच्चों तक पुश्तन पुष्ट सात, उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊँ, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास और वो डॉक्टर साहब थे हिंदुस्तानी। अब वो कह ले मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानी रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? कहले हाँ हमारे यहाँ दो पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे पांच पुश्त में ऐसा ही चल रहा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी सिम्बॉलिक, उससे उनकी स्थिति ठीक हुई। बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज़ जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, ऐसे इसमें क्या रखा हुआ, ये तो सब भूत विद्या। आपने यहाँ सबने जाना है इसको, भानुमति का पिटारा कहते थे आप लोग, यहाँ पता नहीं हिमाचल में इस शब्द को जानते कि लोग जानते ही नहीं आप, भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको। लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज़ में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही हैं और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे। आपने ठीक पॉइंट निकाला, बड़ा कॉमन।
तंत्र के बारे में कि क्या तंत्र विद्या, क्या ये साधना है? ये साधना नहीं है। आपने भी कहा था ना कि किसी ने कुछ कर दिया था बॉम्बे में, वो आपके पास पहुंची। वो करना क्या होता है, साधना नहीं होती बेटे। उसमें क्या करते हैं ये कि कुछ प्रेत विद्या है, उस विद्या से वो कुछ लोग काबू में कर लेते हैं, और ये जो प्रेत है इनके काबू में रहते हैं, उस काबू से ये लोग उनसे काम करवाते हैं। विद्या है, विद्या अविद्या है, अविद्या बिल्कुल है। हाँ हाँ ये बात सही, मतलब हाँ ये हाँ फैक्चुअली ये है, फैक्चुअली ये यह आप जो कह रहे ठीक बात। यहाँ पर किसी को तकलीफ हो जाती है, आपके पास वो दो आदमी बॉम्बे से चले के आ गए, आपने कुंडली द्वारा उसको ठीक कर दिया, उसका क्या रास्ता उनको ठीक करने का, जो आदमी जो जिन दुकानदारों के पास घूम के जाता, ठीक है आप ठीक कर रहे हैं, टेकते हैं उनको जाके चढ़ावा देते हैं, बस वो लोग उनको ठगते हैं, उसका क्या रास्ता उनको बचाने का? रास्ता तो भाई कायदे में तो कुछ है नहीं अपने यहाँ, लेकिन परमात्मा के कायदे में है। वो ये है कि अब आप लोगों को ये वार्ता सब जगह पहुंचानी चाहिए, लोगों से बताना चाहिए कि गलत रास्ता है, नहीं करें, पेपरों में छापें, इस पर चर्चा करें, लोगों से बताएं कि ऐसी चीज़ें होती है। कोई भी आजकल प्रसार करना मुश्किल काम नहीं है, पर यह है कि इसका इलाज सिर्फ सहयोग है। अगर कोई आदमी इससे पीड़ित है तो सहयोग से वो ठीक हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर आपके बड़ा अच्छा सेंटर है, इतना बड़ा हमारा यहाँ आश्रम है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप जो कह रहे हैं ठीक है कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हजारों आदमी इस लाइन में लगे हुए हैं, पूरे काम करने में लगे हुए। अब आपको बताएं कि हमारे बम्बई में एक आईजी पुलिस है, अब उनसे बढ़ के तो कोई बम्बई में है नहीं पुलिस वाला, उन पे असर आया, अच्छा उनकी हालत खराब हुई, तो मुझसे मिलने आए, तो मैंने कहा साहब आईजी साहब जब आप पे ये असर आया और आप ठगे गए तो आप इस पे कायदे कानून क्यों नहीं लगाते? कहले इसका कोई कायदा ही नहीं। तो मैंने कहा कि आप कुछ करिए, आप किताबों में लिखिए, आप पेपरों में लिखिए, आप अपना अनुभव लिखिए कि मेरे साथ ऐसी ज्यादती हुई, मुझसे लोगों ने ऐसी तंत्र विद्या की, मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया, आप क्यों नहीं कोशिश करते, आप करिए। कहले मेरा कोई विश्वास करेगा? मैंने कहा लिखो तो सही, पेपर वालों से जाके बताओ कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये मेरी हालत हुई थी और मुझे ह्यूस्टन तक जाना पड़ा, ये उस आदमी ने मुझसे ऐसा किया। कहले वो उसका संबंध उससे रिलेशनशिप नहीं लगा। मैंने कहा आप कह के तो देखो, चार बातें करो, पैम्फलेट्स रखो, किताबें, अब हमने किताबें छापी हैं, हम लोग ही छाप रहे हैं, मैं ही एक अकेली हूँ जो 1970 में आप देखिए आप काबजी जहांगीर हॉल जो कि बम्बई का सबसे बड़ा हॉल है वहाँ पर खुले आम मैंने इस पर चर्चा की। इतना ही नहीं, इन राक्षसों के भी नाम बताए कि कौन से राक्षसों ने जन्म लिया, उनके क्या क्या नाम है, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पर कुछ लिखें या मेरे और दौड़े। आपके यहाँ के चंबा की कहाँ के महाराजा वहाँ थे, वो आए कहले माँ क्या कर रहे हो, आपको बंदूक से मार देंगे। मैंने कहा उठाओ तो बंदूक, देखे कौन मेरे सामने बंदूक लाता है, वो भी मैं देख लूँ। तो ये चीज़ ज़रूर होती है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बात है, ये अविद्या है, इसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल है और लोग करते हैं, ये तो बात सही है आपने कही, बहुत अच्छी, हाँ मतलब वास्तविकता है। आपके पास तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई साहब, सिर्फ जवाब दे दिया मैं आपसे, नहीं मेरे आने की जरूरत नहीं, मेरे फोटो हैं, मेरे फोटो में भी चैतन्य, आप मेरा फोटो रख लीजिए, सिर्फ फोटो आप रखने से ही सब भागेंगे, फोटो से बहुत दूर भागते, फोटो में तो कुछ पूछे ही नहीं, फोटो ही काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं कि मैं ही रहूँ। ठीक कह रहे हैं आप, प्रॉब्लम तो है, हर एक दुकान में आप लगवा दीजिए फोटो, देखिए ऐसे ही भाग गए होंगे काफ़ी यहाँ से बिस्तर बांध करके, पता हुआ कि हम आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा जानते हैं हमको, क्योंकि वो तो थर 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 से कांपते मेरे सामने, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा मुझे ज़्यादा जानते हैं, ऐसा भागते हैं कुछ पूछे नहीं। मेरा यहाँ आना ठीक हुआ, आप सबको बताएं, बिल्कुल साफ बताएं है ये विद्या, ऐसे गंदे लोग हैं करते हैं मैली विद्या और इस तरह से नुकसान होता है, बात सही है बिल्कुल, आप कह रहे हो ठीक बात है, सामान्य आदमी की सबकी मदद करनी, ये मैं कहती हूँ कि हम समाजोन्मुख है, सारे समाज की मदद करनी, और आप लोग उठ करके बात खुले आम कहिए, बिल्कुल सही बात, आप ठीक है। और कोई प्रश्न हो? जो इसको नहीं मानता उस पे इसका असर हो सकता है कि नहीं? होता है बेटे, तो भी हो सकता है, हो सकता है उस पर भी हो सकता है जो नहीं मानता है, लेकिन जो एक सहयोग में एक बार आ जाए, जो आत्मा प्राप्त कर ले, वो तो उस पे नहीं होता, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं होता। ऐसा अगर आदमी ऐसी जगह कहीं चला जाए जो कि आत्मा से प्रकाशित है, आप सोचिए कि वो भागते हैं बिस्तर बांध करके। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।